Oxygen OS 11.0.1.1 for the OnePlus 7 and OnePlus 7 Pro। हेलो दोस्तों नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? आज आप लोगों का मेरी एक और नई वीडियो में स्वागत है। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं, अगर आप OnePlus 7 और 7 Pro स्मार्टफोन के यूजर्स हैं तो आप लोगों को ऑक्सीजन OS 11 का नया अपडेट ऑक्सीजन OS 11.0.1.1 के नाम से देखने को मिलने लगा होगा। अगर अभी नहीं मिला है तो आपको 4 से 5 दिन का इंतजार करना होगा, आपको ये OTA अपडेट देखने को मिल जाएगा या फिर आप ऑक्सीजन अपडेटर के द्वारा अपडेट कर सकते हैं। नहीं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से भी आप इंक्रीमेंटल अपडेट को डाउनलोड करके अपडेट करा सकते हैं। परंतु ये जो रोल आउट पैकेज होता है उसमें आने में आपको 3 से 4 दिन का समय लग सकता है, क्योंकि ये जो पैकेज रोल आउट होता है उसमें मैनी डिवाइस ऑफ नंबर्स होते हैं, यानी कि एक साथ काफ़ी डिवाइस को अपडेट दिया जाता है तो उनका सर्विस क्रैश ना हो जाए, इस कारण से वो कुछ चुने हुए डिवाइसेस को पहले रखते हैं, उसके बाद कुछ और डिवाइसेस कुछ और, इस तरीके से फेसेस में रोल आउट करते हैं। तो आप इंतज़ार कर लीजिए, आपको अपडेट देखने को मिल जाएगा। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कि इस अपडेट में आप लोगों के लिए क्या कुछ आया है, चेंज लॉक में मेंशन किया गया है, साथ में मैंने यहां पर कितना कुछ प्रैक्टिकल किया इस अपडेट के साथ में, तो क्या कुछ मुझे देखने को इसका एक्सपीरियंस लगा है उसका भी मैं आपको रिव्यू शेयर करूंगा। तो ये रिव्यू जो है वो काफ़ी ज़्यादा डीप रिव्यू होने वाला है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले बात करता हूँ इसके चेंज लॉक के बारे में, जो कि आपको देखने को मिल जाता है। चेंज लॉक के अंदर अब यहाँ पर थोड़ा सा एक चेंजअप किया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं सिस्टम में, आपको देखने को मिलता है इम्प्रूव द सिस्टम फ्लुएंसी। अब यहाँ पर सिस्टम इम्प्रूव शब्द नहीं दिया गया है, सिस्टम फ्लुएंसी यूज किया गया है, जिससे कि लोगों को लगे कि यहाँ पर अपडेट में कुछ नया किया गया है। परंतु आपको मैं बता दूँ ये एक मतलब थोड़ा सा चेंज कर देता है इस बात का, परंतु यहाँ पर इसके द्वारा सिस्टम में ज़्यादा कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हुए हैं, ना ही कुछ ज़्यादा अच्छा देखने को मिला है। साथ ही में इसमें आपको देखने को मिलता है फिक्स द ओकेशनल इशू दैट गूगल फाई सिम कार्ड कैन नॉट एक्सेप्ट इनकमिंग कॉल्स। ये फीचर्स आपको T-Mobile का देखने को मिल जाता है, जो कि अमेरिका और US में वर्क करता है। ये जो फीचर्स है वो इंडिया में काम नहीं करता है, तो इसलिए इंडिया यूजर्स के लिए ये फीचर्स किसी भी काम का नहीं है। ये चेंज लॉक में यहाँ पर मेंशन किया गया, पता नहीं क्यों, क्योंकि इसका यूज यहाँ पर इंडिया में होने वाला नहीं है, क्योंकि आप चाहें तो विकीपीडिया पर सर्च कर सकते हैं, मैंने जैसे कि यहाँ पर सर्च किया। साथ ही में देखने को मिल जाता है अपडेट एंड सिक्योरिटी पेज 2021 में। तो ये यहाँ पर काफ़ी अच्छी कमाल की बात है कि आपको मे मंथ का सिक्योरिटी पेज लेवल देखने को मिल जाता है, जो कि सिक्योरिटी को काफ़ी ज़्यादा अपग्रेडेड रखता है। साथ ही मैं बात करूँ मैं शेल्फ के अंदर, आपको इम्प्रूव द स्वाइपिंग एक्सपीरियंस ऑफ शेल्फ। अब आपको शेल्फ के अंदर कुछ एक्सपीरियंस को इम्प्रूव किया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं, इसको आप एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं। साथ में गैलरी में आपको इम्प्रूव द लोडिंग स्पीड ऑफ प्रीव्यूइंग पिक्चर्स। इस बात की मैं बात करूं तो यहाँ पर गैलरी में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है। साथ में आगे मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताऊंगा कि गैलरी में क्या कुछ देखने को मिल जाता है। आगे बढ़ता हूं, फ़ोन एप्लीकेशन में बात करूं तो यहाँ पर फिक्स द ओकेशनल इशू दैट इनकमिंग कॉल इंटरफेस डिले टू डिस्प्ले। ये चीज़ का इशू आपको थोड़ा सा देखने को मिल रहा था, मुझे भी मिला था कि यहाँ पर नंबर्स को हम लोग डाल कर देते थे, उसके कुछ समय बाद आपको यहाँ पर डिस्प्ले शो करती थी, या फिर आपकी जब इनकमिंग कॉल आ रही होती थी तब भी आपको जो रिंग है वो पहले आ जाती थी, उसके बाद में यहाँ पर स्क्रीन आती थी। तो ऐसा इशू था, उस चीज़ को फिक्स कर दिया गया है। साथ में फिक्स द ओकेशनली अब नॉर्मल डिस्प्ले इशू व्हेन मेकिंग ए कॉल। तो वही बात मैंने जो बताई आपको, जब आप कॉल को आप लगाते थे तो उस दौरान भी आपको ऐसा ही इशू देखने को मिला था, वो चीज़ भी फिक्स कर दी गई है। अब यहाँ पर इन्होंने एक नया शब्द यूज किया है, ये ओकेशनल क्या है, तो यहाँ पर इसका अर्थ कुछ डिक्शनरी में आप सर्च करेंगे यह निकल कर आता है। साथ में कैमरा के अंदर भी इन्होंने यही शब्द भरपूर मात्रा में यूज किया है। तो फिक्स द ओकेशनल इशू दैट द माइनर इफेक्ट फेज टू वर्क। यहाँ पर कभी कभी जो कैमरा एप्लीकेशन है उसमें कुछ इफेक्ट होते थे, वो सही से काम नहीं करते थे, मिरर इफेक्ट के दौरान उन चीज़ को फिक्स किया गया है। तो इन्होंने कुछ अच्छा करने की सोची, इनके साथ बुरा हुआ है। साथ में फिक्स द अबनॉर्मल इशू विद द कैमरा वैन जूमिंग इन माइक्रो मोड। अगर आप माइक्रो मोड का यूज़ करते हैं तो यहाँ पर ऐसा कुछ था, जो चीज़ यहाँ पर फिक्स कर दी गई है। ये ऐसे फिक्सेस को लाते कहाँ से हैं, जो हम लोगों को कभी ऐसे कुछ इशू देखने को मिलते भी नहीं है। सबसे ज़्यादा इशू जो हम लोगों को देखने को मिलते हैं उनको ये चेंज लॉक में मेंशन ही नहीं करते हैं। ऐसा कहाँ से ये इशूज़ को ढूंढ कर लाते हैं, इनसे एक बार मिल करके तो बात करना तो बनता है। आगे यहाँ पर फिक्स द अबनॉर्मल इशू विद सम बटन व्हेन टेकिंग पिक्चर कंटिन्यूअसली इन नाइट्सकेप मोड। अगर आप नाइट्सकेप मोड में कभी कभी पिक्चर को आप क्लिक कर रहे होते थे तो यहाँ पर जो कैप्चर का बटन है वो पुश नहीं होता था और कैप्चर होने में थोड़ा सा डिले होता था। इसी के साथ नेटवर्क के अंदर इम्प्रूव 4G नेटवर्क कम्युनिकेशन, यहाँ पर नेटवर्क को इम्प्रूव किया गया है 4G कम्युनिकेशन को, साथ में इम्प्रूव द स्टेबिलिटी ऑफ वाईफाई कनेक्शन। वाईफाई कनेक्शन में जिन लोगों को इशू हो रहा था उस चीज़ को भी यहाँ पर फिक्स कर दिया गया है। तो आपको इस अपडेट में ये कुछ चीज़ें चेंजलॉक में मेंशन की हुई देखने को मिल जाती हैं। इसी के साथ अब मैं आपसे बात करूँ कि मैंने यहाँ पर क्या कुछ चीज़ें खोजी हैं, उससे पहले मैं आपको बता दूँ ये जो अपडेट आया है वो OnePlus 7 डिवाइस पर किसी को 280 MB का देखने को मिला, किसी को 340 का। इसी के साथ OnePlus 7 Pro का अपडेट है वो भी किसी को 337 MB का और किसी को 340 MB का देखने को मिला है। तो यहाँ पर अपडेट में थोड़े से साइज का चेंजेस है परंतु अपडेट सेम है, वो किसी भी तरह से इशू वाली बात नहीं है, परंतु कुछ डिवाइसेस पर इशू देखने को मिले हैं। तो फिलहाल मैं आपको अपने तरीके से चेंजलॉक में टेस्टिंग की बात करूं तो यहाँ पर AOD का फीचर्स फिलहाल में देखने को नहीं मिलता है, वो आपको हो सकता है कि जुलाई मंथ के अपडेट में देखने को मिले या फिर हो सकता है वो नवंबर के अपडेट में देखने को मिले। उम्मीद है जहाँ तक कि जो बीटा का थर्ड फेज आएगा उसमें आने के बाद में जो अपडेट है वो स्टेबल में आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो भी चीज़ें आती हैं बीटा के 3 अपडेट कंप्लीट होने के बाद में वो चीज़ स्टेबल में दे दी जाती है, ऐसा मैं अनुमान लगा सकता हूं। तो आपको हो सकता है AOD का फीचर्स नेक्स्ट अपडेट में देखने को मिल सकता है, अगर नहीं मिलता है तो उसके नेक्स्ट में देखने को पक्का है मिल जाएगा। इसी के साथ अब मैं आपसे बात करूं, इसमें मुझे स्क्रीन कास्ट को लेकर के जैसा कि बताया गया इशू कुछ लोगों को देखने को मिला, मुझे यहाँ पर इशू देखने को नहीं मिला है परंतु कुछ लोगों को ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। साथ ही में गैलरी की जो ऐप लोडिंग की बात की गई है इसके चेंजलॉक में मेंशन करते हुए कि वो चीज़ फिक्स कर दी गई है, परंतु ऐसा मुझे कुछ भी देखने को नहीं मिला। गैलरी एप्लीकेशन को मैं ओपन करता हूं तो इसके जो थंबनेल हैं वो यहां पर लोड होने में थोड़ा सा समय लेते हैं, कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। ये कुछ इस तरीके से जब आप गैलरी एप्लीकेशन को फर्स्ट टाइम ओपन करते हैं तो इस तरीके के इशूज आपको देखने को मिल जाते हैं, और अगर इसे रिसेंट बार से आप हटा देते हैं वापस से आप इसको ओपन करते हैं तब भी आपको ऐसे इशू देखने को मिल जाते हैं। साथ ही में इसमें OnePlus जो लॉन्चर है वो कभी कभी यहाँ पर फोर्स क्लोज हो रहा है, तो OnePlus लॉन्चर को फिक्सेस की आवश्यकता है। इसी के साथ OnePlus डायलर एप्लीकेशन है उसको भी यहाँ पर इन्होंने बताया कि फिक्स किया। इसमें जो स्क्रीन डिले होता था कॉल को आपको इंटरफेस दिखाने में, परंतु इनका जो इशू वो फिक्स हुआ है, परंतु दूसरा इशू आपको देखने को मिल जाता है कभी कभी फ़ोन डायलर एप्लीकेशन क्रैश कर रहा है, और इसी के साथ यहाँ पर कॉल अगर आप कनेक्ट कर रहे होते हैं तो फर्स्ट टाइम में आपकी कॉल कनेक्ट नहीं हो रही है, ऐसा भी इशू इसमें आपको देखने को मिल रहा है। तो इसको लेकर के मैं आपको बता दूँ इसका जो प्रीवियस वर्जन है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वो आपके लिए सॉल्यूशन का काम करेगा। फिलहाल में ये आपको इशू जो है वो देखने को मिल जाता है इसको लेकर के। साथ में अगर मैं बैटरी के बारे में बात करूं तो यहाँ पर बैटरी के रिव्यू में यहाँ पर ये डिवाइस पर जो अपडेट आया है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस दे रहा है, लगभग आपको 6 से 7 घंटे का बैटरी बैकअप देखने को मिल जाता है अगर आप नॉर्मल चीज़ें यूज करते हैं। इसी के साथ आइडियल जो बैटरी बैकअप है अगर आप डिवाइस को ऑफ़ कर देते हैं यानी कि स्क्रीन को ऑफ रखते हैं स्टैंड बाय मोड पर, तो यहाँ पर बैटरी आपकी कम से कम 1% ही डाउन होती है 3 से 4 घंटे के अंदर। तो ये चीज़ भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बेहतर मुझे देखने को मिली है। ये चीज़ मैंने 2 बार ट्राई की यहाँ पर बैटरी की टेस्टिंग को लेकर के, तो ये कुछ उसके आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। साथ ही में COD गेमिंग को मैंने प्ले किया, यहाँ पर फर्स्ट टाइम में मेरा जो गेम है वो यहाँ पर क्रैश हो रहा था अगर मैं VR मैच को स्टार्ट कर रहा था, परंतु मैंने यहाँ पर गेम को अनइंस्टॉल किया उसके बाद रीइंस्टॉल किया तब मुझे ऐसा कोई भी इशू देखने को नहीं मिला। तो आप लोगों को मैं यह सलाह दे सकता हूँ अगर आप लोगों का भी यह गेम अगर क्रैश कर रहा है तो आप उसे अनइंस्टॉल करके रीइंस्टॉल कर लीजिए, तब आपका ये गेम परफेक्टली काम करेगा। साथ ही में आपको जो वाईफाई का इशू था वो फिलहाल में फिक्सेस के साथ में देखने को मिल जाता है, अब यहाँ पर अपने आप वाईफाई डिस्कनेक्ट और रिकनेक्ट नहीं हो रहा है, ये चीज़ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ठीक देखने को मिली। फिलहाल में OnePlus 7 और 7 Pro डिवाइसेस के लिए ये अपडेट बेहतर तो मैं नहीं कह सकता हूँ, परंतु ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस देने वाला अपडेट देखने को मिल जाता है। तो आप चाहे तो अपने डिवाइस पर इसे चेकआउट कर सकते हैं और अपने डिवाइस को अपडेट करा सकते हैं। अगर नहीं आया है तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड करके अपडेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ यह जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। इसके लिए आप हमारी वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियोज़ लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।